देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए एक बार। इसमें क्या है, टू कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस कैपिटल सी दे रखा है आपको। चार्जेस आर शोन एंड इंडक्टर कैपिटल है, एल हैज जीरो करंट, कैपिटल एल में कोई करंट नहीं है, ठीक है। स्विच एस को क्लोज करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग स्विच कैपिटल एस फाइंड आउट मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर। तो स्विच क्लोज करने के बाद मैक्सिमम करंट कितनी है? अब इसमें अभी डायरेक्ट आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये क्या है, बेसिकली दो कैपेसिटर है। तो अब और एनालॉजी में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम बहुत ही डेप्थ चले जाएंगे। ये बेसिकली दो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के इक्विवेलेंट सिस्टम है, ठीक है ना। ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और एक सिंगल ब्लॉक, उस पर दो स्प्रिंग लगी हुई है, वैसे ये दो कैपेसिटर बिहेव कर, ठीक है। सर, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से भी तो कर सकते। नहीं नहीं होता, इक्विवेलेंट से नहीं होता। मुझे पता था धर्मांश यही बोले, बट होगा ही नहीं इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट से नहीं होगा, ठीक है। चार्जेस अलग अलग, चार्ज अलग है, हाँ। चार्ज ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा फिर तो। चार्ज कितना रखना है इक्विवेलेंट पे, कोई ऐसा निकलेगा ही नहीं। हाँ, चार्ज कंजर्वेशन से होगा एग्जैक्ट, ठीक है ना। अब किसी भी टी आपको क्या लिखना है, आफ्टर द क्लोजिंग स्विच एज फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर। ये मैक्सिमम करंट वाली कंडीशन भी अपने आप ही केवीएल से आ जाएगी आपके, ऐसे किसी भी रैंडम केस में भी आपको प्रॉपर केवीएल लिखना है। देखो अब तक आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं कैपेसिटर के चार्ज कंजर्वेशन प्रॉब्लम। आप कुछ भी मान लेते हैं कि इस पर सी पर Q1 है, नीचे वाले कैपिटल सी पर Q2 चार्ज, ठीक है। आप क्या मान लेते हैं कि इस कैपिटल सी पर Q1 है, इस कैपिटल सी पर Q2 है, तो कितना आ गया Q1 - Q1, Q2 - Q2, ये चार्ज है, ठीक है। तो लेट एट टाइम टी चार्जेस आर एज शोन इन द फिगर फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन ऑन प्लेट्स 2 एंड 3, ठीक है। फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन ऑन प्लेट्स 2 एंड 3 हम क्या बोलेंगे, इधर मान लो Q1 है, -Q1 है, ये Q2 है, ये -Q2 है, ठीक है। तो आपने किसी टी टाइम पर चार्ज मान लिया बेटा। अब देख रहे हो आप, ये प्लेट एकदम आइसोलेटेड है, इस पर कहीं भी चार्ज कहीं से चेंज नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं। तो पहले का चार्ज इस पर कितना था, क्यू था। तो एक तो ये सम आपको क्लियर है कि Q2 - Q1 विल बी इक्वल टू क्यू, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि Q1 Q2 में एक रिलेशन आ गया किसी भी टी टाइम पर। ध्यान रखिए आपका टारगेट है मैक्सिमम करंट कितना है इंडक्टर में, ये निकालना, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट कितना है इंडक्टर में, ये निकालना है आप। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे Q2 - Q1 इज इक्वल टू 2Q - Q2 के बराबर आ गया। केवीएल लिख देंगे ए बी सी डी ए में, इस तरीके से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से पूरे लूप में केवीएल लिख दो, देखो क्या बनेगा। ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बताओ, सिंपल केवीएल लिखा है VA - LDI/GT - सोचना ही नहीं किधर क्या है, माइनस पहले जो चार्ज आ रहा है डायरेक्ट -Q2 में, माइनस पहली कैप प्लेट जो पड़ी उस पर जो चार्ज दिखा रखा है डायरेक्ट में इक्वल टू वी ए। तो Q1 + Q2 ये निकल के आ गया। अब मैं कह रहा हूँ बेटा ये कुछ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये कुछ फंक्शन ऑफ टाइम है, LC di/dt लिखा हो। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए आप इसी को तो जीरो करोगे ना, di/dt मैक्सिमम, ये भी आ जाएगा ना, कुछ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो di/dt को जीरो करके मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन नहीं आई क्या, तो वही करो बस यहाँ पे। वेन आई इज इक्वल टू आई मैक्स di/dt = 0, तो जब आपकी करंट मैक्सिमम है तब इन चार्ज में क्या रिलेशन है, Q2 = -Q1, और इन चार्ज में हमेशा क्या रिलेशन है वो ये दे रखा है, ठीक है। इन दोनों चार्जेस में हमेशा क्या रिलेशन है वो ये दे रखा है, और जब आपकी मैक्सिमम करंट बात कर रहे हो तब क्या रिलेशन है वो ये दे रखा है। तो 1 और 2 को आप सॉल्व कर लो, तो जब करंट I = I max है तब आपको दोनों चार्ज पता पड़ गए कि दोनों Q1 Q2 कितने हैं, ठीक है। तो Q1 कितना आ रहा है -Q/2 और Q2 कितना आ रहा है +Q/2। तो बस अब कुछ नहीं करना है आपको, इनिशियल चार्जेस पता थे तो आपको टोटल एनर्जी पता है इस टाइम पर इनिशियली, तो फाइनल हमेशा टोटल वही रही। जस्ट आपने क्या कर लिया है कि जब मैक्सिमम करंट है तो दोनों कैपेसिटर के इंडिविजुअल चार्जेस आपने निकाल लिए, ठीक है ना, दो इक्वेशन से, एक चार्ज कंजर्वेशन और एक बेसिक केवीएल। तो उस पर मैक्सिमम करंट की कंडीशन लगा दी di/dt = 0, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर लो,
ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, तो क्यू वन कितना आ गया माइनस क्यू बाई टू, क्यू टू कितना आ गया क्यू बाई टू, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या बोल देंगे इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी ये रही आपकी दोनों की मिला के एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कितनी होगी हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर प्लस अब जो इस इंस्टेंट पर एनर्जी होगी क्यू वन स्क्वायर बाई टू सी प्लस क्यू टू स्क्वायर बाई टू सी, तो ये आई मैक्स निकल गया, ठीक है ना, थ्री क्यू बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एल सी, ये आपका मैक्सिमम करंट निकल के आ गया, ठीक है ना, ये आपका मैक्सिमम करंट निकल के आ गया। तो एक दो तीन बार रफ पे कर लेंगे तो आप सॉल्यूशन ऐसा ही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे डेस्टिनेशन, ठीक है, आपको मैक्सिमम करंट निकालनी थी तो एक बार चार्ज कर, ऐसा कुछ भी बन के आ सकता है एडवांस में, स्पेशली वही आएगा जो आपको नहीं पता, इसको आपको याद नहीं कराया जा सकता, वही बेसिक केवीएल, बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन, बेसिक चार्ज कंजर्वेशन, तीनों चीज मैंने इसमें यूज कर ली है, ठीक है, अब ये आपको आती है तो ऐसा कुछ भी बन के आ जाए, आप में अगर अंदर है तो आप वो लगा देंगे वहां, ठीक है ना, अब ऐसा आ जाए तो फिर हर को लगाना है, अब वो जो डिफरेंट आएगा वो जिसको लगाना होगा लगा देंगे, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना, कि कौन लगा पाएगा कौन नहीं लगा पाएगा, ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर कोई नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक है, बट आप कंजर्वेशन तीन ही लगाने, तब कई तो जैसे मैं अभी इलेवेंथ के बच्चे को पढ़ाता हूँ उसमें टाइम ही नहीं लगाया, उसने एक भी कैपेसिटर का कंडक्टर का पूछा ही नहीं मुझसे, उसने सारे क्वेश्चन कर दिए कैपेसिटर, ठीक है ना, कंडक्टर में एक भी नहीं बताया मैंने उसको, एक भी उसको क्वेश्चन दिखाया तुरंत सोल्यूशन, तो वो सारे ही कर देता, अब ये भी उसको मैं थोड़ी बताऊंगा सब लगा देगा अपने आप, एक भी चीज नहीं बताऊंगा मैं, सारी लगा देगा,